फिर चर्चा में यूपी की दबंग महिला आईपीएस, जबरदस्त वायरल हो रहा उनका मैसेज, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों से दो टूक, नौकरी करनी है तो अपने दम पर करो, कब तक दूसरों का हक खाते रहोगे, बुरा मानने की जरूरत नहीं, जो सच है वो सच है। इनसे मिलिए, ये हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दबंग आईपीएस ऑफिसर प्राची सिंह। प्राची अपनी शानदार पुलिसिंग के साथ ही अपने बेबाक बयानों के लिए भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब जब सूबे में ही नहीं बल्कि देश भर में ट्रेनी आईएएस बनी पूजा खेड़कर के फर्जी वाड़े का मामला चर्चा में है, तो शायद आईपीएस प्राची सिंह से भी इस गंभीर विषय पर रिएक्ट करना रहा नहीं गया और आखिर में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाली। यूपी कैडर की इस महिला आईपीएस ऑफिसर ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट में अपने विचार शेयर किए, जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यूपीएससी कोटे का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने दम पर नौकरी करने की नसीहत भी दी है। अपने एक्स पोस्ट पर आईपीएस प्राची ने लिखा, कई यूपीएससी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस या फिजिकल हैंडीकैप्ड इत्यादि का फर्जी सर्टिफिकेट लगवाकर अनुचित लाभ लेकर सर्विस में आ रहे हैं। कुछ लोग हर प्रकार से समृद्ध होने के बावजूद भी ओबीसी क्रीमी लेयर का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, नौकरी करनी है तो अपने दम पर करो, कब तक दूसरों का हक खाते रहोगे। हालांकि प्राची ने आगे लिखा, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो सच है वो सच है। स्टॉप मिसगाइडिंग गवर्नमेंट एंड मोर ओवर स्टॉप मिसगाइडिंग योरसेल्फ। आईपीएस प्राची सिंह की ये सोशल मीडिया पोस्ट और उनके विचार अब चर्चा में हैं, क्योंकि ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है। बहरहाल पूजा खेड़कल का मामला सुपर हॉट बना हुआ है। देखना ये रहेगा कि सरकारी तंत्र अब पूजा पर कितने प्रभावी तरीके से नकेल कस पाता है, ताकि कम से कम प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन तो पारदर्शी हो सके।